एक बार फिर से स्वागत है आपका सिंह ऑटोजोन के नए एपिसोड पर। दोस्तों, अभी तक आपको इस चैनल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अपडेट्स ही मिलते थे, लेकिन अब जो हालात आपके सामने है, हम कोरोना वायरस से जुड़ी बातें भी आपस में शेयर करेंगे, अपडेट्स जो उससे जुड़े आएंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी है। मैंने पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाली है क्योंकि मैं अभी इस पर सर्वे कर रहा था, काफ़ी पॉइंट्स डाटा कन्फर्म डाटा इकट्ठे कर रहा था, ताकि मैं चाहता था जब आपसे बातचीत हो मेरे पास एक कन्फर्म्ड एक एक्यूरेट डाटा एटलीस्ट मेरे पास हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, आभार व्यक्त किया जा रहा है पूरे सभी इंडियंस द्वारा उन लोगों के लिए, उन मेडिकल जो फील्ड के लोग हैं, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वहाँ का मेडिकल स्टाफ हो, जो कि उन मरीजों की देखरेख में लगा हुआ है 24 घंटे जो कोरोना से पीड़ित हैं। सबसे बड़ा खतरा तो उनकी जान को बिल्कुल खुद भी है। इटली का डाटा लेता हूं कि अब तक वहां पर 13 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है जो कि कोरोना से रिलेटेड मरीजों का इलाज कर रहे थे। तो बिल्कुल उसके बावजूद भी ये लोग 24 घंटे हमारे लिए मौजूद हैं। तो ये ताली और थाली के साथ जो हमने आज ये किया है, ये मेरी सोसाइटी का सीन है जो आप देख रहे हो। तो बिल्कुल उम्मीद है कि सभी ऑल इंडिया लोगों ने अपना आभार व्यक्त किया होगा इन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। तो एक बड़ा सा थम्स अप यहां सबसे पहले इन लोगों के लिए। अब बात करते हैं, पहले ग्लोबली फिर इंडिया की बात करेंगे, और लास्ट में एक बात करेंगे जो थोड़ी दिक्कत है इंडिया सिस्टम के साथ, उस पर भी बात करेंगे। पहले ग्लोबली, अभी तक चीन का वुहान सिटी एपिसेंटर था, लेकिन अब पिछले एक हफ्ते से सीन चेंज हो गया है। चाइना ने बाय जो उनके पास सिस्टम था उसके जरिए या सख्ती के जरिए एटलीस्ट जैसे तैसे इस पर काबू किया है। वहाँ पर अब डेथ रेट काफ़ी कम हुए, लेकिन अब दूसरा जो एपी सेंटर बन गया है वुहान के बाद, वो है इटली का लोम्बार्डी एरिया। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, 5000 का आंकड़ा क्रॉस होने वाला है इटली का डेथ्स का। उसके बाद नंबर आता है ईरान का, 1500 डेथ्स हो चुकी हैं, फिर स्पेन का 1300 डेथ्स हो चुकी हैं। उसके बाद बाकी इंडिया का भी काफ़ी पीछे है, बट स्टिल यहाँ बहुत सख्ती बरतनी पड़ेगी सरकार को, हम लोगों को ध्यान देना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है, उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा और डाटा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ उससे पहले कि जो अगर हम बात करें, मेरे पास एक डाटा है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के थ्रू 2017 में अभी तक तकरीबन 14,380 सरकारी अस्पताल हैं इंडिया में। यहाँ प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को अभी अलाउ भी नहीं किया गया है कोरोना को डील करने के लिए। मे बी ऐसी कोई नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि आई थिंक डील करना अलाउ करना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ प्रेशर जो है सरकारी अस्पताल पर कम पड़ेगा। तो इस 14,380 जो हॉस्पिटल हैं इनमें तकरीबन 7,00,000 बेड्स हैं, जिसमें से 70,000 वेंटिलेटर या आईसीयू बेड्स, जिसको हम कह सकते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, जो सीरियस मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो है। लेकिन बिल्कुल 70,000 में से हम सोच सकते हैं कि कम से कम 4 या 5,000 ऐसे होंगे जो वर्किंग में नहीं होंगे, इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा। सबसे ज़्यादा सरकारी अस्पताल इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर रीजन में है, तकरीबन 2,445 सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पर है। हाल में कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि दिल्ली में तकरीबन 400 बेड्स हैं जिसमें से आईसीयू बेड्स हैं जिनमें से 52 काम ही नहीं कर रहे हैं, ये चिंता वाला विषय है। 15 मार्च को एक न्यूज़ आई थी, तब तकरीबन हमारे केसेज 107 के आसपास कन्फर्म केसेज हुए थे, तब भी ये कहा जा रहा था कि शॉर्टेज हो सकती है इन वेंटिलेटर्स की, आईसीयू बेड्स की। तो इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं कि इंडिया के साथ क्या दिक्कत है अगर ये स्प्रेड हो जाता है। अभी हम स्टेज 2 पर हैं, अगर स्टेज 3 पर आते हैं तो WHO कह चुका है कि भाई अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कितनी मौतें होंगी इंडिया में। ऐसा वो क्यों कह रहा है, कुछ रीज़न है। ये मेरे अपनी जो मैंने पिछले 4 दिन से लगा हूँ सर्च करने, उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ा निकल कर आता है दोस्तों कि भारत अपनी GDP का सिर्फ 3% हेल्थ सिस्टम पर खर्च कर रहा है, जबकि एवरेज 5 से 6% चलता है, जो डेवलपिंग कंट्री है वो 10% तक भी खर्च करती हैं, लेकिन यहाँ 3% खर्च किया जा रहा है। ऊपर से बेड्स का मैंने आपको बता दिया है कि आईसीयू बेड्स कितने अवेलेबल है इंडिया में। एक और दिक्कत है डेंसिटी की, पॉपुलेशन की, बेशक चाइना के बराबर हम पहुँचने वाले, लेकिन एरिया देखिए, इंडिया का एरिया देखिए, चाइना का एरिया देखिए, बहुत फर्क है, मोर देन डबल डेंसिटी। पर स्क्वायर किलोमीटर में चाइना में 138 लोग, 138 पीपल्स आते हैं, जबकि इंडिया में 300 से भी ज़्यादा पीपल्स हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। ये एक चिंता का विषय है जो, और इसके अलावा जो बड़े बड़े स्लम एरिया हैं वहाँ पर अगर स्प्रेड होता तो उसको कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसके अलावा जो अभी तक केसेस आए हैं वो ज़्यादा जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है उसके द्वारा आए हैं, तो ऐसे में सरकार ने अपने लेवल पर काफ़ी सिस्टम पहले से ही बना लिया गया था। आई थिंक इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं और जो लोग वहाँ से आए हैं उन पर सर्च किया जा रहा है। एक हाल में ही कल की अपडेट है, मेरी सोसाइटी में 4 मकान छोड़कर एक यूएसए से आया था, तो उसको भी दोबारा से घर से उठा लिया गया है और उसको अलग से उसकी उसका और उसकी पूरी फैमिली के टेस्ट वगैरह दोबारा हुए हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है। तो बिल्कुल ये कदम उठाए जा रहे हैं। इंडिया की बात करूँ तो अभी तक जो मेरे पास करंट डाटा है इस टाइम का 355 पॉजिटिव केस इंडिया में कंफर्म हुए हैं, जिसमें से 7 डेथ्स हो चुकी हैं। देखने में लगता है कि काफ़ी कम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो आज डाटा निकल कर आ रहा है ये कम से कम 4 या 5 दिन पुराना है। जो केस उस टाइम पॉजिटिव हुए थे उनका रिपोर्ट अब आ रही है। आज की डेट में जो स्प्रेड हो रहा है इसका आंकड़ा हमें अगले आने वाले 4-5 दिन में पता लगेगा। उसी बात की दिक्कत है कि अगर इंडिया स्टेज 3 में आता है तो दिक्कत हो जाएगी। इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज सिर्फ यही है, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा जा रहा है। मैं अपनी बात करता हूँ, आई एम सिविल इंजीनियर। आज ही कंफर्म हुआ कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, 31 तारीख तक लॉकडाउन है। पंजाब का भी कंफर्मेशन हो चुकी है, हरियाणा का हो सकता है शाम तक अपडेट आ जाए। मेरी बिल्कुल हमारी जो प्रोजेक्ट है उसको भी 31 तारीख तक होल्ड कर दिया गया है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे सबको बता दिया गया कि भाई 31 तारीख तक काम बंद रहेगा। इसके अलावा अपने लेवल पर भी हम बिल्कुल हम घर के अंदर हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश किए जा रहे हैं, ज़्यादा स्टेरलाइज जो सोल्यूशन रहता है हाथ साफ करने के लिए उसको हम सैनिटाइजर उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं, हमें ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा है आइसोलेशन, घर से बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी जाइएगा, घर में रहिएगा, स्टे इनसाइड, स्टे सेफ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी डेली मैं एक वीडियो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट जो रहेंगे मैं इन पर वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।